आपको ए टू जेड पूरा कंप्लीट प्रोसेस आज बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। हालांकि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये टीसी का एक कोर्स होता है, वो आप अगर कंप्लीट करेंगे तो उसमें आपका 1480 रुपए लगता है। देन उसके बाद से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, ये सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। टोटल डॉक्यूमेंट जो है वो 8 है, 8 डॉक्यूमेंट आपको ये कंप्लीट करने होते हैं। देन उसके बाद से आपको सीएससी का रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ये टीसी सर्टिफिकेट है, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, पीसीसी होना चाहिए या फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद से कैंसल चेकबुक होना चाहिए, मतलब आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, करंट भी होगा वो भी चलेगा, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, एंड आपके पास 10th क्लास मिनिमम जो एजुकेशन है वो 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसको मिनिमाइज करते हैं, आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है सीएससी रजिस्ट्रेशन, पहला लिंक आएगा सीएससी रजिस्ट्रेशन, आपको इस पे क्लिक कर देना है। ये मैं कर्नाटका स्टेट के हमारे एक फ्रेंड है, इनका मैं रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि पूरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ये 2024 का लास्ट टाइम का वीडियो है, ये जुलाई महीने का वीडियो है। सीएससी में कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, तो वो जो लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है वो सब कुछ इसमें मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में सीएससी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये आरडीडी के थ्रू होता है, जिसके थ्रू सीएससी का फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। इसके लिए हमने पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको चेक कर लीजिए किस तरीके से बिल्कुल फ्री में सीएससी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। फिलहाल न्यू सीएससी सेंटर के लिए जो न्यू वेबसाइट लॉन्च की गई है वो ये है, csc.cscloud.in, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो गाइस यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और फटाफट चलिए हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया है। इसका टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल चूज करेंगे, टीसी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, कंट्रोल वी कर दिया हमने, और IIBF सर्टिफिकेट है, ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। देखिए मैं एक एक स्टेप यहाँ पे बताते चल रहा हूँ, तो इसलिए पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर इसके बाद भी कंफ्यूजन रहता है तो गाइज हमारी पेड सर्विस है, जिसके थ्रू हम सीएससी का एप्लीकेशन आपको पूरा कंप्लीट करके दे देंगे। अप्रूवल का काम हम लोग नहीं करते हैं, अप्रूवल ऑटोमेटिक फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका हो जाता है। सीएससी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी आपका काम है मैं यहाँ से कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। इसके लिए आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मेरे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओके। जो भी चार्जेस है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, यहाँ पे किसी भी टाइप्स का फेक और स्कैम आपके साथ नहीं होगा। जो आपसे कमिटमेंट हो जाएगा वो आपका काम हम यहाँ से करके दे देंगे, जो होने वाला नहीं होगा उसको हम साफ मना कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टीसी नंबर डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे टीसी नंबर वेरीफाई हो गया। इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, जो नाम होता है आपका, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, टीसी रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे टाइप करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे ओटीपी ले लेते हैं, सर 22 08 08 37 37। आपका नंबर वेरीफाइड हो गया, अब यहाँ पे आपको आधार नंबर टाइप करना है, तो चलिए मैं यहाँ पे आधार नंबर को टाइप कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, आधार भी यहाँ पे वेरीफाइड हो गया है। अब यहाँ पे ओटीपी वगैरह नहीं जाता है आपके आधार को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे आधार वेरीफाइड आ चुका है। अब यहाँ पे चलिए गाइस थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं और यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल है ये सब कुछ फिल कर लेते हैं। देखिए क्या क्या भरना होता है, फादर नेम, मदर नेम और मैरिटल स्टेटस में आप यहाँ पे मैरिड दिखा देंगे, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड कर देंगे, ये मैरिड है। कैटेगरी में यहाँ पे दो ही कैटेगरी शो करता है, जनरल और रिजर्व, जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप चूज कर लेंगे। मैक्सिमम हम जनरल ही चूज करते हैं, फिजिकल बिल्कुल सही है, मतलब विकलांग नहीं है तो आप यहाँ पे नो फिजिकल इम्पैक्ट चूज करेंगे, अगर विकलांग है तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कई टाइप्स की विकलांगता है, जैसे कि कान से नहीं सुनते हैं या फिर बोलने में थोड़ा लटपटाते हैं, तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पे नॉन फिजिकल इम्पैक्ट मेरा यहाँ पे चूज करना है, और यहाँ पे आप गाँव में रहते हैं या शहर में, ठीक है। तो अगर गांव में रहते हैं तो रूलर चूज करेंगे और यहाँ पे स्टेट चूज करेंगे, अभी जिनका मैं कर रहा हूँ ये कर्नाटका स्टेट्स हैं। देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। देन यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपका ब्लॉक होता है ब्लॉक को चूज कर लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट में जो आपका तहसील होता है वो चूज कर लेंगे। देन यहाँ पे विलेज आप चूज करेंगे, और यहाँ पे ग्राम पंचायत आप चूज करेंगे। यहाँ पे पूरा एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना है और पिन कोड भी डाल देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल और एड्रेस फिल करने के बाद क्यूज की डिटेल आपको फिल करना होता है। क्यूज की डिटेल में आपको अपना यहाँ पे क्यूज की नेम में आप चाहो तो अपना पर्सनल नाम भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप अपने सेंटर का जो भी नाम रखना चाहते हैं आप यहाँ पे सेंटर का नाम रख सकते हैं। एंड यहाँ पे क्यूज की ओनरशिप में आप अपना खुद का ऑनेट दिखा सकते हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। हमारे केस में ऑनेट है यानी खुद का है, तो ऑनेट चूज करेंगे। देन इसके बाद से लोकेशन आप चूज करेंगे, आप गांव में सेंटर ओपन कर रहे हैं या फिर शहर में, रूरल चूज करेंगे।
एंड फिर से आप वही प्रोसेस कंप्लीट करेंगे जो भी आपने पर्सनल डिटेल में किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अपना पर्सनल डिटेल और सेंटर का डिटेल पूरा फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद सिंपली इस कैप्चे को आपको पहले फिल कर लेना है 5 3 2 4 एंड इसका टर्म्स एंड कंडीशन को अगर रीड करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, इस तरीके से आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। अब यहाँ पे पहले हम ईमेल एड्रेस डाल लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, पहले बार हम ब्लैक करते हैं, DOM, ठीक है। सेंड OTP पे करते हैं क्लिक, क्योंकि ईमेल को भी वेरीफाई करना होता है। अब ईमेल पे जो OTP आएगा उसको यहाँ पे हम टाइप करेंगे। ईमेल OTP दीजिए, अपना ईमेल चेक कीजिए। और देखिए गाइज, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है कि पैन नॉट वैलिडेटेड, ऐसा कुछ करके एरर आ रहा है। तो इसके लिए हमने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यहाँ पे विजिट कर जाएंगे। पैन नॉट वैलिडेटेड इन CSC रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा, क्यों आपका पैन कार्ड वैलिडेट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका जो एरर है यहाँ पे शो नहीं करेगा। चलिए हम पहले OTP को डाल लेते हैं, देखते हैं जो OTP आया हुआ है। ईमेल को यहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे। अब हमारी बारी है पैन कार्ड वैलिडेट की, ठीक है। अब पैन नंबर हम यहाँ पे डाल लेते हैं एंड यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं पैन वैलिडेट होता है कि नहीं, पैन नॉट वैलिडेटेड। ओके गाइस, ये देखिए एरर आ चुका है हमारे पास। तो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सी क्वेरी आ रही है कि सर यहाँ पे पैन वैलिडेट नहीं हो रहा है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब तक पैन वैलिडेट ही नहीं होगा अगले स्टेप में आप नहीं जाएंगे। जब तक ये वैलिडेट नहीं होता हम बार बार इस पे क्लिक करते रहेंगे, ठीक है। जिनका डाटा बिल्कुल मैच है, मतलब इनका आधार और पैन दोनों बिल्कुल करेक्ट है, उसमें नाम और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो आप ऐसे सिचुएशन में वेट कीजिए। जल्दीबाजी में आप इधर उधर अपना पैसा ना फंसाएं, ठीक है। इधर उधर पेमेंट कर देंगे, आपका काम भी नहीं होगा और पैसा भी कोई वापस नहीं करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर दिया था और हमने ठीक 2 दिन वेट किया है। तो ये CSC की तरफ से कुछ एरर चलता है, सर्वर का एरर चलता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। आपको वेट करना है, फिर उसके बाद से अप्लाई करेंगे तो आपका प्रोसेस हो जाएगा। बाकी अगर आप हमसे पूरा प्रोसेस कराना चाहते हैं, जैसे कि CSC रजिस्ट्रेशन, TEC एग्जाम, बहुत सारे प्रोसेस है जो CSC रजिस्ट्रेशन में करना पड़ता है, मतलब रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी वर्क है सब कुछ आप कंप्लीट करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज 24 जुलाई है, मैंने अभी करके देखा, ट्रायल कर रहा था कि ये अभी तक ठीक हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये ठीक हो गया है और टाइमिंग जो देख रहे हैं आप, ये 9 बज रहा है, 9 बजे मैं सुबह का टाइम ये ट्राई कर रहा हूँ, तो हो सकता है दिन में ये प्रॉब्लम आती हो, लेकिन मॉर्निंग के टाइम अगर आप अप्लाई करते हैं तो पैन कार्ड नॉट वैलिडेट वाली प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक है। अगर अभी भी आपके पास ये पैन कार्ड नॉट वैलिडेट वाली प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। ये वेबसाइट है newcsc.com, ठीक है। यहाँ पे आपको आना है, इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे CSC से रिलेटेड बहुत सारे हमारे पोस्ट हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे और फ्री में आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पोस्ट है, CSC आधार सेंटर में पैन नॉट वैलिडेटेड इन CSC रजिस्ट्रेशन। तो CSC रजिस्ट्रेशन में पैन नॉट वैलिडेटेड वाला एरर आता है, तो इस एरर को यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर अभी भी आ रहा है, ठीक है। सर्वर की प्रॉब्लम है तो वो तो ठीक हो जाता है 1-2 दिन वेट करके, लेकिन वाकई में आपके डॉक्यूमेंट में कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इस पोस्ट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस पोस्ट को जब ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से ऐड आएगा, आप इसको यहाँ से बंद करें, क्लोज कर देंगे और यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है हमारा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस पोस्ट को पूरा पढ़ लीजिएगा। इसी के रिगार्डिंग हमने ये पूरा पोस्ट बनाया हुआ है और वेबसाइट, इसीलिए हमने ये अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया है ताकि आपको फ्री में हम अपनी सर्विस दे सकें, फ्री में आपको अच्छे तरीके से बता सकें। बाकी पेड सर्विस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा डायरेक्टली। ओके, तो चलते हैं रजिस्ट्रेशन पे आगे। यहाँ पे प्रोसेस जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका टर्म्स एंड कंडीशन पे अग्रीड करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 100% मैच यहाँ पे दिखा चुका है। अब यहाँ पे IFSC कोड डालना है, अकाउंट टाइप आपको चूज कर लेना है, सेविंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे ये जो डिटेल है सभी को पहले हम फिल कर लेते हैं, देन उसके बाद से आगे प्रोसेस करेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे प्लीज वैलिडेट IFSC कोड, इस पे हम क्लिक करेंगे तो एड्रेस को ये वेरीफाई कर लेता है। देखिए यहाँ पे ये मतलब जहाँ पे आपका ब्रांच है उस ब्रांच का एड्रेस यहाँ पे शो कर देता है, ठीक है। IFSC कोड वैलिडेट करने के बाद अकाउंट नंबर वैलिडेट करना है, देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्लीज डू द पेनी ड्रॉप, ठीक है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे पेनी ड्रॉप पे क्लिक कर देना है, आपका यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस लेता है, टाइम लेता है, आपके पास इंटरनेट की स्पीड ठीक होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अकाउंट वेरीफाइड, अब यहाँ पे नॉमिनी नाम डालना है। अगर यहाँ पे हस्बैंड के नाम से अप्लाई करते और आपकी वाइफ होती तो भी आप यहाँ पे स्पाउस ही चूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर लेडीज के नाम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हस्बैंड चूज करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे स्पाउस
से चूज करेंगे, क्योंकि स्पाउस मतलब जीवन साथी होता है। अब जीवन साथी में दोनों आ सकते हैं, हस्बैंड या फिर वाइफ। तो आप समझ लीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करेंगे, मतलब जो नॉमिनी है उनका डेट ऑफ बर्थ। एक बार मैं अपने क्लाइंट से कंफर्म कर लेता हूँ। वो जो 10 सेकंड के वीडियो है उसके लिए अभी वेट कीजिए, पहले ही एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा तो आपके पास एक ईमेल आएगा, ठीक है। उस ईमेल पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू एक ऐप डाउनलोड करना है। फिर मैं आपको एक टेक्स्ट मैसेज आपको ना व्हाट्सएप पे करूंगा, वही टेक्स्ट मैसेज आपको मतलब वीडियो बनाते समय उसको बोल देना है सही तरीके से, ठीक है। वो मैं आपको मैसेज आ गया ना सर, वो वीडियो का जब सबमिट करेंगे तब आएगा। अभी जाएगा, अभी 2 मिनट में, ठीक है। आपके हस्बैंड को ही नॉमिनी बनाना है ना? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे एक पिक नंबर यानी यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है, देन यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करना है। बहुत से लोग आधार कार्ड को जब अपलोड करते हैं वो ठीक से अपलोड नहीं करते हैं, इसी चीज में अपनी कलाकारी होती है, क्योंकि गाइस डॉक्यूमेंट को ही रिसाइज करना है सही तरीके से, वरना डॉक्यूमेंट इज नॉट क्लियर ऐसा करके रीजन दे देते हैं और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। हमने आधार कार्ड को यहाँ पे चूज किया, अभी यहाँ पे मैसेज आएगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर देंगे, आधार कार्ड चला गया एंड एप्लीकेशन पेन। तो फिर से ब्राउज पे क्लिक करेंगे और पैन कार्ड को हमने ये रखा हुआ है, इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पैन भी हो गया। जो वीएलई है उनका फोटो यहाँ पे डालना है, फोटो यहाँ पे ले लेंगे, ये रहा इमेज, ये भी हमारा सक्सेसफुल अपलोड हो गया। बैंक डिटेल में आपको यहाँ पे ये रहा चेकबुक को कैंसिल कर देना है, ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से कैंसिल आपको लिख देना है चेकबुक पे, ओके हो गया गाइस। अब यहाँ पे हम वोटर आईडी कार्ड को भी यहाँ पे हम ब्राउज करते हैं, हॉरिजॉन्टल में इसको ऐड कर दिया है और ये 92 KB में, ओके करेंगे, यहाँ पे इसको भी अपलोड कर दिया। तो हाईएस्ट एजुकेशन का 10+2 है, यहाँ पे ब्राउज करेंगे, 12th का मार्कशीट है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे गाइस टीसी अपलोड कर देते हैं, ठीक है, तो ये गलती कभी नहीं करना, वरना आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट इनवैलिड करके एरर आ जाता है और रिजेक्ट हो जाता है, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ गया टीईसी सर्टिफिकेट, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और टीईसी सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये रहा हमारा टीईसी सर्टिफिकेट गाइस, इस पे डबल क्लिक करेंगे, ओके पे आ गया यहाँ पे, ओके। टीईसी कैसे पास करते हैं ये सब कुछ हमने इस पे वीडियो बनाया हुआ है। बैंक बीसी सर्टिफिकेट ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑप्शनल है, तो अभी फिलहाल हमें सीएससी आईडी चाहिए तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से स्किप कर देंगे। फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ पे पासपोर्ट पे, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 चीज इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे देखिए पासपोर्ट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो होता है, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल, लेकिन इन दोनों में से कोई ना कोई आपको एक देना होता है। अगर एक नहीं देंगे ना मतलब यहाँ से आपका रिजेक्ट भी हो जाएगा और पेंडिंग में पड़ा रहेगा काफी दिनों तक। जो लोग कहते हैं कि सर हमारा इतने दिन हो गया अभी तक पेंडिंग में है, तो हर चीज को हम यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हमारे केस में ये दोनों अभी रहने देते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन उठा लेते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, ये पीसीसी है, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पीसीसी अपलोड हो गया। तो हमने अभी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक डिटेल, वोटर आईडी कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, टीसी सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी आपके पास ये 8 डॉक्यूमेंट होंगे तो सीएससी के लिए आप इलिजिबल है, ओके। देन यहाँ पे इसके टर्म्स एंड कंडीशन को अग्रीड करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके। कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर हमें मिल चुका है, यहाँ पे हम यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट करें तो भी यहाँ से पेज ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, और यहाँ से प्रिंट करेंगे तो भी यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप यहाँ से प्रिंट कर लें ताकि आप इसका एक पीडीएफ निकाल सकें, ठीक है। प्रिंट पे क्लिक करेंगे और इसको हम सेव कर लेते हैं अपने लैपटॉप में, और ये फिर से हम उसी पेज पे आ चुके हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, अपने ईमेल को ओपन करना है। देखिए अब हमने ईमेल ओपन किया, ईमेल पे हमारे पास एक आ चुका है CSC DIT करके, एप्लीकेशन सबमिशन वीएलई रजिस्ट्रेशन इन सीएससी नेटवर्क। अब यहाँ पे आपके पास एक लिंक मिलता है डाउनलोड सीएससी ऐप, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, और ये प्रोसेस आपको अपने मोबाइल फोन के थ्रू करना है। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर टाइप करना है और वहाँ पे 6 डिजिट का कोड मांगता है इस ऐप में। अब आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, ये जो हमने अभी डाउनलोड किया है इसको एक प्रिंट आउट कर लेना है। इसको मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस से। नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पे ऊपर लिख देना है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो होता है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है, और फिर पेन नंबर जो होता है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे, मतलब पेन से ही लिख देना है, ब्लू पेन से या फिर ब्लैक पेन से यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद से आपको 10 सेकंड की वीडियो बनानी है, ठीक है। वीडियो कैसे बनानी है इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिया है। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग टाइम में हमने सीएससी के लिए अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। तो जैसे हमने अप्लाई कर दिया था, अप्लाई करके हमने वेट किया आज ही के दिन में। वीडियो को अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो मैंने 24 जुलाई का जिक्र वीडियो में किया हुआ है। फिर से हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है 2 बजे के आसपास, हमने एप्लीकेशन शायद
9:30 तक कंप्लीट कर दिया था मॉर्निंग में। तो इसी तरीके से सीएससी से जब भी आपका अप्रूवल मिलता है तो इस तरीके से आपके पास ईमेल आता है। फर्स्ट टाइम हम कैसे सीएससी में लॉगिन करते हैं, चलिए इसको यहीं पे हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। फटाफट हम डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करते हैं और इस आईडी को लॉगिन करते हैं। पहले हम अपने क्लाइंट को फोन कर लेते हैं जिनका ये एप्लीकेशन किया था हमने, ठीक है। अगर सही तरीके से अप्लाई करते हैं ना तो सीएससी आईडी एक दिन में ही आ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं सर एक दिन में कैसे आती है सीएससी आईडी, तो जिनको पेशेंस रखना होता है ना, जो पेशेंस रख के सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके अप्लाई करेंगे तो एक दिन में भी पॉसिबल है सीएससी आईडी लेना। माफी की तरफ से हुआ है, थैंक यू सो मच। ओके जी, एक काम कीजिए, अभी आप अपना एनी डेस्क ओपन कीजिए अपने लैपटॉप में। आप ईमेल में देख सकते हैं आपका सीएससी आईडी और पासवर्ड दोनों आ चुका है उसको। मैं अभी आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं ना तो एक छोटा सा सर्वे होता है, तो वो मैं अभी आपके सामने सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ और आपकी आईडी लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे एनी डेस्क, थैंक यू सो मच सर, ओपन किया हूँ सर ऑलरेडी मैं। तो इस तरीके से इसका ये होम पेज है सीएससी का। अभी वेट कीजिए, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन कीजिए, ये देखिए, ठीक है जी सर। फर्स्ट टाइम आईडी लॉगिन करते हैं तो क्या क्या पूछता है, तो हमें यहाँ पे क्यूज की एड्रेस को अपडेट करना होता है और शॉर्ट सर्वे एक देना पड़ता है। जो डिस्ट्रिक्ट है ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्टेड आएगा। लीड एड्रेस को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है जो हमने डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम, और डॉट और कॉमा वगैरह कहीं नहीं कुछ लगाना है। अब यहाँ पे सबमिट कीजिए, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सर्वे है और इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आता है, आपको इस तरीके से चूज करना होता है एंड यहाँ पे फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं सर्वे सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे देखिए सीधे आपकी सीएससी आईडी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देंगे और ये जो ऑप्शन है ये तो सभी के पास आ रहा है केवाईसी अपडेट वाला। तो अगर आपकी न्यू सीएससी आईडी है तो इसको आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये है सीएससी आईडी, न्यू सीएससी आईडी जो हमने आज ही अप्लाई किया और एक दिन में यहाँ पे सीएससी आईडी एक्टिवेट होके मिल चुकी है। ओके गाइस, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमने काफी ज्यादा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप सीएससी खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बाकी अगर आप डायरेक्ट हमसे भी हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारी प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल हमने दे रखा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।